तो उसका पड़ा है 120 रुपया। और ये दो पेपर मिलता है और हमको सिर्फ देना पड़ा, ओरिजिनल देना पड़ता है, जेरोक्स नहीं चलेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों आज फाइनली वो दिन आ चुका है जो कि मैं जाने वाला नेपाल ट्रिप में और अपना बाइक लेके, और ये ट्रिप बहुत ही मजा होने वाला और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। मैं कभी इंटरनेशनल कभी नेपाल से बाइक में जाने वाला, तो मैं अभी फुल रेडी हूँ अपना नया कपड़ा पहना के। तो अभी मैं अभी थोड़ा कपड़ा वपड़ा पैकिंग भी करना है, हाफ तो मैं पैकिंग कर चुका हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत पैकिंग करना आपको दिखाता हूँ। बस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा बैग और मेरा ग्लव्स लॉक, ये मेरा बैग छोटा सा, और ड्राइविंग लाइसेंस बहुत जरूरी है तो आपको दिखा दूंगा ये ड्राइविंग लाइसेंस किसका है। यह का लाइसेंस है, यह देख कर कहाँ गया है, ये तो वो है कोरोना का कोरोना का आईडी कार्ड तो निकल गया। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें चेक करो भैया का नाम होगा बिक्की पड़ता है देखो। तो ये हो गया एक कोरोना का वो है, और ये ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा रहा हूँ और आधार कार्ड चाहिए। गाइस अपना ये पैसा वहाँ नेपाल जाने के लिए, अब ना कितने रुपए दे रहे पता नहीं मैं, कितना 5000 से क्या होगा, 5000 अब नेपाल में जाकर कितना बनेगा पता नहीं है, पैसा भी सारे दिन से नहीं बना दे पैसा दो नहीं यार, पैसा निकालो हमें यहाँ 5000 रुपया बेबी से साढ़े तीन बोल रहे हैं, इटली 4-5 हजार चाहिए, 6000 दो ना मेरे को अभी। अच्छा से चलो ना पूरा चेंज करके मम्मी ने पैसा दे दिया, मिसेस का पैसा भी डाल दिया, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अपना फाइनली इधर बाइक है और ये बाइक नेपाल जाने वाला है, सिर्फ इतना है कि धोखा ना दे बाइक रास्ता में कहीं। सबसे पहले सामान बांधना पड़ेगा, एक बैग बांधेंगे और एक बैग विशेष बुक लेगा ना, इस साइड बांधो, सॉरी इस साइड गार्ड है तो इस साइड बांध देगा। तो मैंने इसको बांध दिया, इसमें थोड़ा गंदा लगेगा बोल के पोलोथिन में, क्योंकि पूरा धूल धूल रास्ता में, तभी धूल तो घुसना है वैसे भी, इसको पीछे लटका दिया बैग बैग इधर है, बैग बैग विशेष ने बुक लिया। तो अभी अपना बाइक रेडी है, तो मम्मी उधर है, नानी इधर है, टाटा आप लोग का, हजर हमें बाय, मिलते हैं अभी 4-5 दिन के बाद, टाटा हमें ला हजर हमें चलता। और मैंने जैकेट लगा लिया, ये सबसे बड़ा जैकेट, इसको अंदर डालूंगा जगह नहीं होगा, किसी लगा के जा रहा गर्म में भी, तो बीसी से भी लगा के जा रहा जैकेट। सब लोग जय मसीह। तो अभी 4-5 दिन के लिए घर से निकल रहे हैं, पता नहीं ट्रिप कैसा होगा, होप अच्छा जाए ट्रिप ना, और अच्छा से राइड भी कर पाए हम लोग। अभी सबसे पहले मुझे पेट्रोल डालना पड़ेगा, पेट्रोल बाइक में इतना थोड़ा भी पेट्रोल नहीं है, तो पेट्रोल पूरा फुल कराएंगे आज, कितना तो भी दिखाऊंगा आप लोग पेट्रोल फुल करने के लिए। बीसीस भी रेडी हो चुका दिखाओ, उसके बीसीस के ऊपर लाइट भी है। कर रहा हूँ पेट्रोल, यहाँ से पूरा फुल करके जाएंगे, 1200 जैसे जगह तक कम जाएगा। मैंने बोला था 1200 कुछ जाएगा बोलते। तो दोस्तों फाइनली हम निकल चुका है नेपाल के लिए, अपना पेट्रोल फुल है अब। तो गाइस अभी आपको दिखाएंगे नेपाल, आज से अपना जर्नी शुरू हो चुका है नेपाल का। तो ये फर्स्ट टाइम मैं क्या बोलता हूँ कुछ ऐसा बाइक लेकर इतना दूर ट्रिप में जा रहा हूँ मैं, वो भी दूसरा कंट्री ऊपर से डायरेक्ट ही मैंने नेपाल से शुरू किया हूँ अपना राइड, तो कैसा होगा देखते हैं। यहाँ से अराउंड अभी मुझे लगेगा लगा लो 45 मिनट, नेपाल पहुँचने के अंदर 30 मिनट अराउंड, सर बाइक में 30 मिनट ही लगेगा, देखते कितने मिनट पहुँचते हैं नेपाल बॉर्डर अभी हम लोग। तो गाय साहब हम लोग ये बागडोगरा पहुँच चुका है, सीधे जाओगे तो आपको मिलेगा क्या बोलता है एयरपोर्ट, यहाँ सीधा जाओगे तो नेपाल है। तो इंडिया से नेपाल जाने का हाईवे बहुत ही सुंदर है, तो इतना अच्छा सीधा है, स्ट्रेट है, ऊपर से खाली रहता है मैक्सिमम, तो ज़्यादा ट्रैफिक रहता भी नहीं है, ड्राइव करने में बहुत ही मज़ा आता है। पहले तो मैं सोच रहा हूँ सिक्किम जाने का, मगर सिक्किम का प्लान कैंसिल हो गया, फिर मैंने निकला हूँ नेपाल के लिए। नेपाल एक्चुअली मैं कल ही निकलने वाला था, कुछ प्रॉब्लम का वजह से आज निकल रहा हूँ, और मैं सोचा नेपाल जाकर एक बार आप लाइव में बात भी करूँगा इंस्टाग्राम में, तो आप लोग इंस्टाग्राम में मुझे चेक भी कर लेना, फॉलो कर लेना, तो इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों का क्या बोलता है डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। फर्स्ट टोल गेट
वेलकम टू एशियन हाईवे लिखा हुआ है, या पैसा कुछ देना नहीं पड़ता वैसे तो। गाइस फाइनली हम लोग नेपाल बॉर्डर के नजदीक पहुंच चुके हैं। वो आगे नेपाल गेट, तो असली गेट यहाँ से है जहाँ से सब लोग निकलता है। क्या डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा आपको पता चल जाएगा। आप कैमरा अलाउड नहीं है। कैमरा बंद करता हूँ। ये नेपाल देखा, ऊपर देखा थैंक यू टू विजिटेड लिखा हुआ है। सब लोग इधर नेपाल ट्रांसफर होने के लिए गाड़ी भी जाते हैं ऐसे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग क्या बोलते हैं इंडिया बॉर्डर पार करते हैं। पीछे इंडिया बॉर्डर हो, ये जीरो लाइन, ये एक ब्रिज से क्या डिवाइड होता है इंडिया और नेपाल का। अच्छा चलो अभी आगे हम जाएंगे नेपाल तरफ, ये पीछे इंडिया, तभी जाके निकलते हैं नेपाल तरफ। चलो कैमरा अलाउ नहीं है वैसे बीच में, तो भाई थोड़ा बहुत दिखा देगा आपको। और दोस्तों इंडिया से नेपाल घुसने के लिए, मतलब यहाँ तक घुसने के लिए सूच लगाने से एक डॉक्यूमेंट लगता है। क्या बोलते हैं हम तो क्या बोलते हैं आर्मी का दिखाया था, और आप लोगों को आने से क्या बोलते आप लोग आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। और बाइक के लिए से कुछ जरूरत नहीं पड़ता अभी तो। अभी बाइक के लिए क्या करना पड़ता है नेपाल घुसने से आपको वो दिखाऊंगा। नेपाल बॉर्डर पार कर रहा है जो हम लोग, तो दोस्तों आगे अभी नेपाल का चेक होगा जरूर। यहाँ पे वीडियो बिना अलाउ नहीं है, ऊपर देखो नेपाल का झंडा। दोस्तों फाइनली हम लोग घुस चुका है नेपाल बॉर्डर, घुसने कुछ जरूरत नहीं पड़ा। यहाँ भी सेम हमने क्या बोलते आर्मी का कार्ड दिखा दिया, नहीं तो आप लोग को आधार कार्ड यहाँ भी सेम दिखाना पड़ेगा। यहाँ से अभी उनको जाना पड़ेगा ये इस साइड, गाड़ी का दुकान बनाने के लिए हम इस साइड जाना है, यहाँ पे डंसाल बनेगा। तो दोस्तों हम लोग फाइनली नेपाल के अंदर पहुंच चुका है। अभी क्या बोलता है थोड़ा अभी है अपना बाइक का काम करने का, मतलब भंसाल और कस्टम इंग्लिश में बोलो तो कस्टम, तो थोड़ा टाइम लगेगा होगा, कितना टाइम लगने लगा पता नहीं। तो अपना डॉक्यूमेंट निकालते हैं पहले। तो बाहर से इधर ऐसा करके देखो, यहाँ पे मैंने अपना बाइक पार्क रखा था उस साइड, तो अभी अंदर चलते हैं ये कस्टम ऑफिस। तो ऐसा करके जो ऑफिस है उधर बनेगा अपना। चेक करो ये डॉक्यूमेंट मिल चुका है हम लोग का, एक आरसी पेपर सिर्फ लगता है। फाइनली अपना क्या बोलता है अपना भंसाल बन चुका है। तो हमने 5 दिन का सिर्फ अप्रूवल लिया है अंदर जाने का। तो कितना लगा बोलने से आपको बता देता हूँ, सिर्फ हमने दिया था 50 रुपया इंडिया का, तो उन्होंने 30 रुपया सिर्फ रखा इंडिया का और 20 रुपया वापस कर दिया इंडिया का भी। तो आपको दिखा होता कैसा रहता है भंसाल खोलता। तो यही पेपर रहता है, इसमें थोड़ा चेंज हो गया सर, समझे कि छोटा पेपर दिया है, ये 2 पेपर मिलता है और हम लोग सिर्फ देना पड़ता है, ओरिजिनल देना पड़ता है, जीरोक्स नहीं चलेगा आप लोग का। ये आरसी आप लोग ओरिजिनल देना है और कुछ जोड़ नहीं पड़ता है। तो अभी निकलते हैं ऐसे, अपना बाइक देखो अभी अपना बाइक नेपाल में है। तो कैसे अभी निकलते हैं, अभी आपको मिलते हैं काकर भित्ता में, जो नेपाल इंडिया का बॉर्डर का सामने में जो नेपाल का सिटी है वो है काकर भित्ता। तो यहाँ पे नेपाल का ऑफिसर लोग भी है। तो चेक क्यों होगा, तो हमको कुछ पूछा भी नहीं, उस तो मुड़ गया वो। अच्छा कुछ खोलना भी नहीं पड़ रहा था, खोलना वोलना पड़ जाना बैग उग। तो गाइस फाइनली अब हम नेपाल के अंदर है, बॉर्डर से निकल चुका है, ये नेपाल का सिटी फर्स्ट। तो दोस्तों अगर सबसे पहले हम अपना पैसा एक्सचेंज करेंगे, यहाँ पे एक्सचेंज होगा मनी एक्सचेंज, आपको बाहर से दिखा देता हूँ। अब जब भी आएगा तो इधर कर लेना, यहाँ पे कुछ तक यहाँ पे गेट है ना, यहाँ से हम लोग आया था, इधर ही है मनी एक्सचेंज करने वाला। तो अभी हम पैसा एक्सचेंज कर लेते हैं। फाइनली अपना पैसा चेंज हो गया। तो कितनी था इसमें? 10,720 है ना। अच्छा हम पैसा गिन लेते हैं पहले। इसमें 10,720 रुपया मिला हम लोग को नेपाल का। तो दोस्तों यहाँ क्या पता चला बोलने से, हमको वीडियो डिलीट करा दिया भाई ने। तो मगर क्या है कि मतलब 500 का नोट जो इंडिया का नोट है ना, वो यहाँ पे चलता नहीं, यहाँ पे एक्सचेंज कराने के लिए मना किया हुआ है। तो उसका भी इलीगल है बोला, 500 इंडिया का 500 रुपये का नोट, तो उसका वजह से। मगर वीडियो मेरा उसका पहले से रिसाइकल भी मिल जाएगा सही। तो निकलते हैं गाइस। तो दोस्तों कुछ इस तरह का चाहिए काकर भित्ता, यहाँ हमने एक्सचेंज किया था, यहाँ चेक करो। अब हम उस साइड जाएंगे जहाँ हमको सिम बनाना है, तो यहाँ से अंदर है। तो पहले सिम बनाते हैं, इसका आपको दिखाता हूँ कितना में सिम बनता है, सब कुछ बताता हूँ। चलो
दोस्तों ये आपका आईटी कनेक्शन में आपका सिम बन जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है? आ जाएगा अपने। ये है नेपाल का सिम, एनसेल सिम हमने लिया हुआ है, तो इसका पड़ा है 120 रुपया और इसमें अलग से हमको नेटपैक डालना पड़ेगा 100 रुपया का। फोटो कॉपी के साथ 100 रुपया। यहाँ से निकलते हैं, हमको अपना सिम का काम हो गया, हमको लगा 250 रुपीस सिम प्लस जीरोस करने का और लेके नेटपैक लेने के वजह से। तो भैया थैंक यू भैया। गाइस अपना पूरा सामान सब कुछ ले लिया अब हमने, अपना राइड शुरू होता है नेपाल का, नेपाल के रास्ते में। तो ये काका भित्ता का, काका भित्ता से अभी हम निकल रहे हैं। तो गाइस शुरू हो चुका है नेपाल का राइड, अभी हम लोग नेपाल के रोड में। नेपाल को इस तरह से देखो, अभी तो कुछ चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं वैसे, क्योंकि इंडिया जैसे लग रहा पड़ा अभी तो। तो गाइस ये धूलाबाड़ी है, अभी पता चला मुझे, इसको बोलते हैं धूलाबाड़ी में पहुँच चुका है अभी हम लोग। और दोस्तों कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी अपना बाइक लेके नेपाल में घुसूंगा, तो जो सोचा नहीं वो अच्छी से हो रहा है। इतना बहुत बड़ा चीज़ लगता था मुझे कभी ये सब चीज़। तो आज फाइनली बाइक लेके सब कुछ करके अभी नेपाल में बाइक अपना लेके जा रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो इधर ही एंड करते हैं, आपको मिलते हैं आप डायरेक्टली कल का वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंदी वाला था। तो थोड़ा आज था इतने रखते वीडियो को, और कल का वीडियो मिस मत करना। कल का वीडियो आपको बहुत कुछ ऐसा ऐसे देखने मिले जो कि आप लोगों को पता नहीं है नेपाल के बारे में, राइड के बारे में, नाइट राइड के बारे में। तो हम लोग जो फेस किया आप लोगों को कल का वीडियो में पता चलेगा। तो आज का वीडियो इधर एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गोखाली।